अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निकिल कादिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक अनाउंसमेंट है आप सब अहबाब के लिए जिन्होंने पीपीएससी में लेक्चरार्स की जो जॉब्स आई थी BS 17 की, जिन लोगों ने उनके लिए अप्लाई किया था। पहली बात तो ये एक समझ लें कि लेक्चरार गवर्नमेंट कॉलेज नॉट प्राइवेट, ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है। अब आपने पीपीएससी के थ्रू जाएंगे तो आप पंजाब हुकूमत के अंडर होंगे, नॉट किसी भी प्राइवेट या किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज या किसी भी गवर्नमेंट के कॉलेज के अंडर आप नहीं होंगे, आप गवर्नमेंट के अंडर होंगे, पंजाब हुकूमत के अंडर। यूनिवर्सिटीज़ में दो तीन किस्म के होते हैं, एक जो फेडरल की तरफ से आते हैं, एक पंजाब हुकूमत खुद एम्प्लॉय रखती है, एक यूनिवर्सिटी रखती है अपनी क्रिमिनसिंग के लिए। तो पंजाब पीपीएससी के थ्रू जो सीट्स आती हैं वो पंजाब हुकूमत के अंडर होते हैं। अब पंजाब हुकूमत की ये हेडिंग होती है कि वो उनको कॉलेज में लगा दे, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में लगा दे। कॉलेज में लगने की निस्बत अगर आप यूनिवर्सिटी में लगते हैं तो उसका फ़ायदा ज़्यादा, एक तो पे ज़्यादा होती है, पे तो डेफिनेटली 17th स्केल है, लेकिन यह है कि आप यूनिवर्सिटी में लगते हैं तो आप दो तीन विजिटिंग लेक्चर पकड़ सकते हैं और उनका भी आप बना सकते हैं, एक प्लस पॉइंट ये भी होता है। और दूसरा, फिर अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाएँ तो वहाँ HOD, एक बात ये समझ लें कि जो भी पंजाब हुकूमत के अंडर बंदे आते हैं वो HOD बहुत कम बनते हैं। उनका ये होता है कि उन्होंने 2 साल इधर रहना है लाहौर में, तो 4 साल उन्होंने भावलपुर रहना है, 4 साल भावलपुर रहना है, तो 6 साल DI खान रहना है। तो इस तरह से वो एक यूनिवर्सिटी में रहेंगे, यूनिवर्सिटी के पूरे रूल एंड रेगुलेशन को समझेंगे, तब तक उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि कई ट्रांसफ़र नहीं होते और वो साथ साथ उम्र गुजर जाती है। लेकिन HOD और हेड बनना ये बहुत यानी कि रेयर केस होता है, लेकिन बहुत रेयर, जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है। तो अनाउंसमेंट ये है कि PPSC के थ्रू जो सीट्स आई थी, कोरोना चूँकि बहुत ज़्यादा आ गया, कुछ लोगों का टेस्ट हो गए थे कुछ सब्जेक्ट्स के, और कुछ सब्जेक्ट्स के अभी रहते हैं जैसे फिज़िक्स है, मैथ वगैरह, तो उनके अनाउंसमेंट ये है कि उनके टेस्ट पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। PPSC आपको फर्दर कॉल या मैसेज करेगी, क्योंकि हमारे एक अजीज जानने वाले ने एक अप्लाई किया तो उनकी रोल नंबर स्लिप आ गई थी, 22 तारीख को उनका टेस्ट था, 22 नवंबर को, लेकिन अभी उनको दोबारा मेल आई कि पोस्टपोन हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट डेट अभी वो अनाउंस नहीं कर पा रहे PPSC वाले, क्योंकि गैदरिंग होती है, लोगों ने बैठना होता है, कोरोना के चांस होते हैं। इसलिए अगर PPSC चूँकि गवर्नमेंट का अदारा है, अगर गवर्नमेंट ही इसको फॉलो नहीं करेगी तो वो फिर SOPs पे कैसे अमल किया जा सकेगा। इसलिए जिन प्लस पॉइंट हैं उन लोगों के लिए जो वाकई में ही लगना चाहते हैं, जो वाकई तैयारी कर रहे हैं, आप भरपूर तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। मैंने ये नोटिस कहाँ से देखा है, आप गूगल पे जाएं तो गूगल पे PPSC की वेबसाइट है, वहाँ पे सारी नोटिफिकेशन आ रही है कि किस किस तरह से पोस्टपोन हो गए हैं, और जिन जिनके हो गए हैं वो अपना वो उनके तो रिटर्न टेस्ट के, जिनके हो गए हैं उनके तो टेस्ट की रिज़ल्ट आना ही आना है। वो आप कुछ लोगों के आ भी गए हैं, कुछ लोगों के अभी रिसेंटली हुए हैं, और कुछ उन लोगों का आस्ता आस्ता आएगा। नई सीट्स जो आई हैं वो भी जिन लोगों ने अप्लाई करना है वेल एंड गुड, लेकिन जिन्होंने नहीं करना वो ना करें, वो चूँकि अभी आप अप्लाई करेंगे फिर कोरोना है, टेस्ट बहुत लेट हो जाएगा, फरवरी मार्च अप्रैल तक चला जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आप अपनी भरपूर तैयारी रखें, जिन सब्जेक्ट्स की हो गए हैं वो तो हो गए, जिनके नहीं हुए उनको ज़्यादा टाइम मिल गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, और अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, आपके हक में इंशाल्लाह बेहतर सोल्यूशन निकलेगा। ये थी छोटी सी वीडियो कि PPSC के जो टेस्ट पोस्टपोन हुए हैं उनकी अपडेट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट वीडियो जानने के लिए शुक्रिया।